आज 22 जुलाई 2019 को देश भर के विभिन्न प्रगतिशील और आदिवासी संगठनों के आह्वान से वन अधिकार कानून 2006 को सख्ती से लागू कराने के लिए और साथ ही सोनभद्र में आदिवासियों पर हुए जनसंहार के खिलाफ और भारतीय वन कानून 1927 के संशोधन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। जल जंगल जमीन पर अपना हक जताते हुए कई जनसमूह अलग अलग राज्यों में जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और भी कई राज्यों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आक्रोश व्यक्त किया। 13 फरवरी के आदिवासी संघ अन्य वन आश्रित समुदायों को बेदखल करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल इन्हीं लोगों को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए भी खतरनाक साबित होगा। अगर सरकार की ऐसी ही नीति चलती रही तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को कभी भी शुद्ध पानी और हवा नसीब नहीं हो पाएगा। सच में कहा जाए तो यह हमारे मानवीय अधिकारों का हनन है, क्योंकि सरकार की मंशा साफ तौर से दिखती है। इन जंगलों के नीचे छिपी खनिज संपदाओं को अपने चहेते कॉरपोरेट्स को समर्पित कर देना है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है लूट लूट लूट।